नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं जो आपको वीडियो दिखा रही हूँ ये छठ महापर्व का है और ये प्रकृति से किस तरह से जुड़ा हुआ है आज हम थोड़ी बहुत इसके बारे में बात करेंगे और मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगी। एक मेरी भी छोटी सी कोशिश है कि किस तरह से ये छठ का पर्व पूरी तरह से प्राकृतिक है और हमें प्रकृति से जोड़ता है और ये सनातन से चला आ रहा है, यानी बहुत पुरानी परंपरा है। ये महाभारत काल में ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी जी ने इस व्रत को किया और तब से ये परंपरा चली। माता सीता ने भी इस व्रत को किया था। तो इस व्रत को करने के पीछे के जो रीजन रहे हैं उन रीजनों के बारे में मैं आज बात करूंगी कि क्या हो सकते हैं और ये कितने सटीक हैं हमारी हमें अपनी प्रकृति से जुड़े रहने का और इनके साथ हमेशा से जुड़े रहने का। पूरी तरह से ये प्राकृतिक ही है छठ का महापर्व। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए, एक छोटे से जिसको कहा जाता है, ये बिहार से शुरू होकर के पूरे देश में फैल गया और शुरू शुरू में मिथिलांचल में बहुत अच्छे से रहा जाता था, जहाँ माता सीता रहती थी और उन्होंने भी ये व्रत किया हुआ था। तो ये कितना प्राकृतिक है, कितना हमें मिट्टी से जोड़ता है, प्रकृति से जोड़ता है। और आज कांचे ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाय, होई ना बलम जी सहैया, बहंगी घाटे पहुँचाए। इसी तरह के मार्मिक गीत गाए जाते हैं और ये गीत गाने वाले कोई और नहीं रहते हैं, वो छठ पर्व करने वाली महिलाएं होती हैं जो कि पूरे दिन निरा जल व्रत रह के, जो कि खाना को कौन कहे, पानी भी नहीं पीती हैं और पूरे दिन अपने व्रत की तैयारियां करती हैं, बहुत साफ़ सफाई करती हैं, दिया बाती का इंतजाम करती हैं और उसके बाद से इस तरह के मार्मिक गीत गाती हैं कि आपका हृदय एकदम द्रवित हो जाए, ऐसे गीत गाए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें जोड़ता है हमारी परंपराओं से और हमें इसका बहुत आदर सम्मान करना चाहिए। और मैं दिल से बहुत इन सब चीज़ों को बहुत आदर देती हूँ कि ये कितना खुशहाली वाला मौसम होता है जिसमें कि महिलाएं सारे काम खुद से ही करती हैं। इसमें बहुत पवित्रता और बहुत बहुत ज़्यादा पवित्रता होती है। मैंने देखा है कि परमानेंट ये लोग जो भी काम करते हैं बहुत सात्विकता से करते हैं और बड़ा उल्लास से करते हैं। तो हमें इनका बहुत ही आदर और सम्मान इस चीज़ों का करना चाहिए। प्रकृति से जोड़ने की जहाँ तक बात है, आप देखते होंगे कि कहीं भी कुछ भी ऐसा चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता है जो कि बाज़ार से बनी हुई है। सारी चीज़ें घर की होती हैं या प्राकृतिक रूप से उगाई जाने वाली सब्जियां होती हैं। इसमें वही फल चढ़ाए जाते हैं जो प्राकृतिक रूप से नेचुरली होते हैं। आम अमरूद, सॉरी आम तो नहीं होता है, लेकिन यह है कि अमरूद है, केला है, आंवला है, इस तरह के फल दिखाई देते हैं जो कि हमने बहुत ही कम देखे हैं। सिंघाड़ा है, मूंगफली है और भी पता नहीं कौन कौन से तरह के फल छोटे छोटे होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें प्रकृति से जोड़ता है और नेचुरल चीज़ों को खाने पीने को बढ़ावा देता है। इन चीज़ों को हमें समझना होगा कि प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें हम खाते पीते हैं या अपनी दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमें ही लाभ होता है, शारीरिक रूप से भी और मेंटली कितना हेल्पफुल है ये हमारे लिए कि इतने उत्सव में हम जाते हैं और बड़े उल्लास से इस चीज़ों को मनाते हैं और चार दिन पाँच दिन कितनी रौनक रहती है हमारे घर में। भोली महिलाएं बहुत ही विनम्रता से सूर्य देव से अपने पति, अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने समाज के कल्याण के लिए ये व्रत करती हैं। तो उनके प्रति हमारा आदर भाव भी होना चाहिए, हमें प्रकृति से अपने जुड़ना चाहिए। और आप जितनी भी चीज़ें आप देखेंगे, मैं तो यही देख के दंग रहती हूँ कि इतनी ताकत आती है कहाँ से है लोगों में, कि इतने सुंदर गीत गाती हैं, इतने काम करती हैं और इतना मज़ा आने वाला ये व्रत है कि आपको अगर कभी जाने का मौका मिले तो आप ज़रूर जाइए। बिहार के लोग इसे बड़े ही उत्साह से मनाते हैं और धीरे धीरे करके ये पूरे विश्व में फैल रहा है और इतना अच्छा लगता है इसमें कि सभी लोग पूरे सज धज करके और सब वो जो बहंगी की बात मैंने की, तो बहंगी का मतलब होता है कि दो जो पहले के लोग कहार जो होते थे वो लोग आगे और पीछे डलिया लेकर के जाते थे, उसको ही बहंगी कहा जाता है। तो एक औरत अपने पति से कह रही है कि वो घाट तक पहुँचाएँ इन सारी चीज़ों को। ऐसा मार्मिक गीत सुन करके किसका दिल द्रवित ना हो जाए, कितना अच्छा लगता है। तो आप भी प्रकृति से जुड़िए
और अपने यहाँ जो भी आपसे हो सकता है, जो नज़दीकी लोग रहते हैं उनसे ज़रूर संपर्क में रहिए और कब छठ देखने ज़रूर जाइए। हाँ ये है कि दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा जो कल्चर आ रहा है उसमें सात्विकता थोड़ी कम ज़रूर हुई है और दिखावा ज़रूर हो गया है, लेकिन ये है कि हमें इस चीज़ को अब समझना होगा कि हमको अपने त्यौहारों को कैसे मनाना है, और बड़े ही सात्विकता से आप मनाएं और बहुत ही नॉर्मल ढंग से मनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और इस पर्व की एक और विशेषता बतलाती हूँ आपको कि जब भी आप छठ घाट पर जाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ कोई अमीर नहीं होता है, कोई गरीब नहीं होता है, कोई ऊंची जाति का नहीं होता है, कोई छोटी जाति का नहीं होता, सब एक साथ पर्व करते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार लगता है ये देख करके कि ये एक छठ महापर्व ऐसा है कि जिसमें कि सब लोग एक साथ आते हैं। और आप एक चीज़ और एब्जॉर्ब करिएगा कि इसकी कोई पूजा पद्धति नहीं है, जिसको जैसे आता है, कोई इसका मुहूर्त नहीं होता है, बस सूर्यदेव जब अस्त होते हैं उस समय उनको आमंत्रण अगले दिन आने का दिया जाता है, और अगले दिन जब सूर्य देवता उगते हैं तो उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके और हम उनसे विनती करते हैं, अपने परिवार, अपने समाज, अपने बच्चों, अपने पति के कल्याण की कामना करते हैं। तो ये कितना अच्छा लगता है देख कर। तो फ्रेंड्स मुझे भी मौका मिल ही जाता है, मैं ढूंढ ही लेती हूँ कहीं ना कहीं जाने का। छठ महापर्व में मैं ज़रूर जाती हूँ, मैं भी वहाँ फल चढ़ाती हूँ, जो लोग व्रत करते हैं उनसे चढ़वा लेती हूँ व्रत, हालांकि मैं नहीं करती हूँ। तो इसमें मुझे देखने में भी बहुत मज़ा आता है, और बड़ी जो प्रकृति के साथ जुड़ाव है ना, तो आप तो जानते ही हैं कि मैं बहुत सारे पौधे उगाना और यही सब काम में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो मुझे ये देख करके बहुत अच्छा लगता है। और मैं इस चीज़ को सपोर्ट करूँगी कि आप सभी प्रकृति से जुड़िए और इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि किसी भी व्रत को बनाया गया है तो वो किस वजह से बनाया गया है, और हमें अपनी प्रकृति से, अपने पूर्वजों से, अपनी माटी से प्रेम होना चाहिए और उनका आदर सम्मान करना चाहिए। और मैं ये वीडियो अब ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ अगले इसी तरह की किसी एक वीडियो में। तो मेरे ये वीडियो आपको अच्छी जरूर लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।